तो गाइस फाइनली आज 19 अगस्त को ड्रैगन बॉल जी काई द फाइनल चैप्टर शुरू हो गया कार्टून नेटवर्क इंडिया पर। और आज 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ड्रैगन बॉल जी काई के न्यू एपिसोड्स आए थे, एपिसोड 99 से लेकर एपिसोड 103 तक। और आज मैं इन्हीं सारे एपिसोड्स का रिव्यू करने वाला हूँ। तो जब एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक रिकैप देखने को मिलता है। और इतना बड़ा रिकैप क्यों देखने को मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, ड्रैगन बॉल जी काई सेल गेम सागा का जो लास्ट एपिसोड था वो निकला था 8 फरवरी 2013 को। और उसके बाद यार फाइनल चैप्टर आने में लगभग यार 4 साल लग गया, मतलब 4 साल बाद आया 2017 में 8 जनवरी को। और 4 साल बाद इसलिए आया क्योंकि ड्रैगन बॉल जी काई सेल गेम सागा ही यार लास्ट सागा होने वाला था। लेकिन इतना ज़्यादा यार डिमांड आया कि नहीं नहीं आगे का भी यार बनाओ, तो 4 साल बाद द फाइनल चैप्टर्स को बनाया गया, जिसमें बू सागा को यार मेंशन किया गया। अगर आपने ड्रैगन बॉल जी देखा है तो ड्रैगन बॉल जी की बात करूं तो एपिसोड 94 में यार लास्ट एपिसोड आता है सेल गेम सागा का। और उसके बाद एपिसोड 195 से स्टार्ट हो जाता है यार 7 साल बाद की कहानी, जिसमें गोहान बड़ा हो जाता है। और ड्रैगन बॉल जी में आपको इतना बड़ा यार रिकैप देखने को नहीं मिलेगा, जिसमें यार फ्रीजा का सेल का इतना बड़ा यार कहानी दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है। उसमें यार डायरेक्ट एपिसोड शुरू हो जाता है कि 7 साल बाद ये होता है वगैरह वगैरह, क्योंकि सेल गेम सागा का जो आखिरी एपिसोड था वो आया था 21 जुलाई 1993 को। और फिर जो उसका यार अगला एपिसोड था जिसमें यार गोहान बड़ा हो जाता है वो आया था 28 जुलाई 1993 को। मतलब सिर्फ यार 1 सप्ताह का गैप था, लेकिन डिविजेट काहे में यार डायरेक्ट 4 साल का गैप था। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा रिकैप क्यों दिखाया गया। अब बात करते हैं यार डबिंग के बारे में। तो यार देखो, डबिंग तो यार एक नंबर है यार, फैंटास्टिक डबिंग, सुपर डुपर फिनोमिनल, जितने भी तारीफ करूं यार उतना कम है। और आज के एपिसोड्स में यार हमें बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, जैसे कि अडल्ट गोहान। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अडल्ट गोहान को यार संचित वर्तक सर ने ही डब किया है, और काफ़ी यार बढ़िया डब किया है सॉफ्ट टोन के साथ। क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर के यार आखिरी एपिसोड जब आए थे ना पावर ऑफ टूर्नामेंट के या टूर्नामेंट ऑफ पावर के, तो वहाँ पर यार संचित वर्तक सर ने गोहान का टोन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड करके बोला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा था। लेकिन इसमें उन्होंने यार बहुत ही बढ़िया तरीका से डब किया है। हाँ, ये बात है कि जब वो सायमैन बनते हैं तब वो अपना टोन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि लोग ना पहचान पाए कि हाँ ये गोहान ही है। इसके बाद हमें गोहान भी देखने को मिला था आज वाले एपिसोड में, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गोटेन का वॉइस चेंज है, जैसा कि मैंने सोचा था। और गोटेन को डब किया है श्रुति सिन्हा मैम ने, जिन्होंने किड गोहान को डब किया था। इसके अलावा इसमें हमें यार विडेल भी देखने को मिलती है, और विडेल को भी डब किया है परिगन्या पांड्या शाह ने। और आज के एपिसोड्स में आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि जितना भी यार एपिसोड्स का यार टाइटल आ रहा था तो सबका यार नाम लिखा आ रहा था कि हाँ कौन सा एपिसोड है ये, बट हाँ जापानीज़ में लिखा रहा होगा, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्या लिखा हुआ है। मुझे भी समझ में नहीं आया था। इसके अलावा बात करूँ तो यार आज के एपिसोड में वेजिटा का भी एंट्री दिखाया गया था, और उसकी वॉइस की बात करूँ तो यार बहुत ही ज़्यादा शार्प टोन में यार डब किया गया था। जैसे वेजिटा गोहान को बोलता है, गोहान मुझे पता है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। और गाइज आज ड्रैगन बॉल जी काई के यार 5 एपिसोड्स आए थे यार, और 5वां एपिसोड यार इतने ज़्यादा इंगेजिंग थे कि एक के बाद एक एपिसोड कब खत्म हो गया यार पता ही नहीं चला। और जो एक लंबे बाल वाला रहता है जिसका नाम रहता है शार्पनर, वो अपने आप को तो कुछ ज़्यादा ही भाई कूल समझ रहा है। वो गोहान को बोलता है, अगर मूर्खों का कोई शहर होता तो ये उनका मेयर होता, लेकिन सच बोलूं तो यार जो शार्पनर है वही सबसे बड़ा गधा लग रहा था। और गोहान जब यार सायमैन बनता है और जब डायलॉग मारता है सुपर हीरो वाला एंट्री वाला, जैसे कि कोई भी सुपर हीरो किसी का जान बचाता है या एंट्री मारता है, तो कैसे एक यार चीप डायलॉग मारता है, तो वैसे ही गोहान भी मारता है, मैं हूँ इंसाफ का रखवाला, जिसको बुराई से है नफरत, मैं हूँ ग्रेट सायमैन। डायलॉग बहुत ही यार बचकाना रहता है, सब बोलते लगता है ये कोई नमूना है लेकिन उसकी ताकत देखकर सब यार हैरान हो जाते हैं।
और मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इसको नोटिस किया है, जिससे यार विडेल लड़ती है। ये जो आप देख रहे हैं इसे यार देखने में बिल्कुल यार नापा जैसा लग रहा है, और आपको बिलीव नहीं होगा जिसने नापा को डब किया था उसी वॉइस एक्टर ने इसको भी डब किया है। आपको क्या लगता है, ये नापा जैसा लगता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और पता है आज का एपिसोड में यार मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा जब यार सारे लोग बेसबॉल खेलते हैं और गोहान जब यार बॉल को कैच करता है आसमान में लेकर, और उसके बाद जब वो बॉल को फेंकता है तो यार कितना तेजी में फेंकता है यार, और उसके बाद जब वो सायमैन का ड्रेस पहनकर दो को जो लफंगे रहते हैं उनको जब रोकता है तो वो लोग तो यार पहले बोलते हैं लगता है कोई नमूना है, लेकिन उसकी ताकत देखकर कितना वो हैरान हो जाते हैं यार। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास यार गोहान जैसा ताकत होता इतना ज़्यादा तो यार तब तो मज़ा आ जाता है। आप में से भी बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि काश यार हमारे पास भी ऐसी कोई ताकत होती तो हम लोग यार बुरे लोगों को यार मज़ा चखा देते। आप मुझे कमेंट में ये बताने कि अगर आपके पास गोहान जैसा ताकत होती तो आप अपने दोस्तों को बताते या नहीं बताते या छुपाते। मैं रहता तो यार मैं तो नहीं बताता। और आज के आखिरी एपिसोड में जब गोहान और गोटेन ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो गोटेन अचानक से यार सुपर सैयन बन जाता है, जिससे जो गोहान है वो यार सरप्राइज हो जाता है। और जो अगला एपिसोड है एपिसोड नंबर 104 वो आने वाला है कल 20 अगस्त को दोपहर 1 बजे कार्टून नेटवर्क इंडिया पर। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस एपिसोड को देखने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें।